अध्याय 22। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था। महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको किसी प्रकार मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाएं। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए, तुम उसके पीछे चले जाना। उस घर के स्वामी से कहो कि गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो, तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया कि ये कटोरा मेरे उस लोहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया है जाता ही है। पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे न होना। वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई, और जो प्रधान है वो सेवक के नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा, या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूं, परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के बाहर गोत्रों का न्याय करो। शमोन, हे शमोन, देख, शैतान ने
तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता, मुर्ग बांग न देगा। और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वो ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझमें पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहां 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के टप्पे पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की न्यायी भूमि पर गिर रहा था। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उसने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। ये यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ाए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, और एक लौंडी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया कि, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी,
तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढांप कर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। जब दिन हुआ तो लोगों ने पुरनिये और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूँ तो प्रतीति न करोगे, और यदि पूछूं तो उत्तर न दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है।